फाजिलका दे धोबी घाट मोहल्ले विच बने श्री गुरद्वारा साहब दे बिल्कुल सामने कूड़ा डंप नूं लै के मोहल्ला वासियां वल्लों रोस जताया जा रहा है। उन्होंने अपनी मदद लई क्रांतिकारी किसान यूनियन नूं गुहार लगाई, जिथे क्रांतिकारी किसान यूनियन फाजिलका दे धोबी घाट मोहल्ला वासियां दी मदद लई मौके ते पुजे अते उत्थे चल रहे कूड़े डंप दे काम नूं बंद कराया अते प्रदर्शन किया गया, जिस तों बाद सफाई सेवक यूनियन दे आगू श्री फतेह चंद मौके ते पुजे। उन्होंने क्रांतिकारी किसान यूनियन दे आगूआं अते मोहल्ला वासियां दे नाल सहमति करके काम बंद कराया अते उत्थे आ रहे कूड़े नूं चक्कण वास्ते 2 घंटे लई ट्राली दा इंतजाम कराया गया। उधर इस संबंध में मोहल्ला वासियां ने की किया अते सफाई सेवक यूनियन दे प्रधान फतेह चंद का की कहना है अते किसान यूनियन दे आगूआं ने प्रशासन नूं बेनती भी की अते सख्त लहजे विच कहा भी जेकर ये ना होया तो अगला कदम की होगा। इस संबंध में नगर कौंसल के कार्य साधक अफसर मंगत राम का की कुछ कहना है, ये सब कुछ जानने लई साडे नाल बने रहो। टाइम होया करूगा 1 घंटा छिड़ता जे किसी बार अगर गंद पिया हो जिम्मेवारी होगी। नंबर 2 तो यह कहते हैं भी अभी 100 रुपये घर में लाया से महीना इस महल ने 100 रुपया महीना नहीं दिता। जी मैं क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब की जिला फाजिलका की टीम का कन्वीनर हाँ। मेरे को मुद्दा आया सी कल साड़ी टीम को धोबी घाट के महल के फाजिलका का महला एक धोबी घाट उत्थे गुरद्वारा साहब बनया तो ये जी आम आदमी पार्टी की सरकार है प्रशासन है उदे गुरद्वारा साहब के गेट के बिल्कुल सामने एक कूड़े का गंदगी का डंप यार्ड बनाने जा रहे थी कि सारे शहर का नेड़े तेड़े दे महल्लों का गंद इकट्ठा करके उत्थे सुट्टिया जाएगा। उदे बारे सानू महल्ला वासियां ने साडी मदद मंगी सी, असी इत्थे आए हाँ, आके असी इत्थों के अधिकारियों नाल इत्थों की MC नाल गल करनी चाहिए। अधिकारी है उन्होंने साडी गल ते सहमति जताई है कि ये डंप यार्ड बंद किया जाएगा तो अल्टरनेट वह यह कढ़िया कि इत्थे म्यूनसिपल कौंसल दियां इत्थों दे फाजिलका प्रशासन दियां ट्रालियां आउणगियां, ये महल के लोग अपने घर का कूड़ा वह ट्रालिया च पाउणगे, वह ट्रालिया 2 घंटे रुकिया करनगियां तो इत्थों कूड़ा जिहड़ा लैके चला जाएगा पर उन्हां टाइम लई यह डंप यार्ड बंद रहेगा। हो चुका पर साडी प्रशासन नूं बेनती है पीण वाला पानी का भी RO जिहड़ा RO सिस्टम लगे हुए है सरकारी वह भी बिल्कुल ये तो कुछ कदमों की दूरी पर है। गुरु घर का गेट है जिहड़ा बिल्कुल इस डंप यार्ड के सामने है। एक इत्थे बहुत वड्डा वाटर वर्क्स प्लांट भी इत्थे लग्या होया ते इन्ने सारे दे विचकार गंदगी का ढेर जिहड़ा कि एक शोभा नहीं दिंदा चंगी चीज़ नहीं है। आपां लोकां नूं स्वस्थ ते साफ सुथरी हवा पानी देना है इहदी जिम्मेवारी प्रशासन की है तो असी एक बार फिलहाल रिक्वेस्ट करते हैं कि डंप यार्ड बंद किया जाए तो इनू शहर तो बाहर कितने मर्जी शिफ्ट किया जाए। जे प्रशासन फिर भी इस गल ते साडी गल नहीं मनदा तो असी फिर चेतावनी भी दिंदे हां कि कोई ना कोई वड्डा संघर्ष वेढ के चाहे सानू SDM दफ्तर जाके दफ्तर घेरना पे चाहे सानू रोड जाम करना पे असी कोई वड्डा एक्शन लैण दी तैयारी च। मेरे साथियों अज दा जिहड़ा तुसीं इह रोस प्रदर्शन कर रहे हो असी मनदे हां भी ये रोस प्रदर्शन तुहाडा जिहड़ा हैगा ये तुसीं कर रहे हो तुसीं आपदी थां ते कर रहे हो परंतु साडे वाले पासे भी देखो साथियों असी सवेरे 6 बजे रोज़ उठ के गंदगी नाल लड़ाई करते हैं गंदगी नाल घोल करते हैं। मेरे हिसाब नाल पता नहीं किन्ने मुलाजम तो TV दे मरीज हो के मुक जाते हैं मर जाते हैं उन्होंने बच्चों का भविष्य बड़ा ज़्यादा खराब है।
मेरे वीरों ये असी डैम्प बना रहे हैं, ये मंजूर शुदा डैम्प है, ये सेंटर सरकार दे वल्लों मंजूर शुदा है, कोई इहो जिहा नहीं। असी कोशिश कर रहे हैं भी ये जिहड़ी थां थां ते गंदगी दे ढेर लगते हैं इन्हां नूं खत्म करिए, तो इतने डैम्प ते लिया के उस कूड़े नूं इकट्ठा करके तो उत्थे बार बार्डर रोड ते उधर बार शमशान घाट वाले पासे इहनूं पहुँचाण की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ दिनों तो चल रहा है, परंतु असी एक होर उपराला किया होया, साडियां 8 गड्डियां नगर कौंसल दियां हुण मंजूर हो गई हैं, आने वाली एक एक वार्ड से दो दो गड्डिया, जिमें एक ना चार चार वार्ड से एक एक गड्डी होएगी, तो सौखा काम होर भी हो जाएगा। असी उस कूड़े नूं गड्डिया के राही सीधा उत्थे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्थे साडा प्लांटेशन बनया होया, मशीन लगिया हुई कूड़े की छांटी करन लई, ते साथियों कुछ दिनों का एक काम हैगा, मगर फिर भी तुसी कह रहे हो भी इत्थे ना कूड़ा हो। हुण किसान यूनियन दे साडे नुमाइंदे साडे साथी हन, साडे वीर हन, असी इन्हां दा बहुत ही ज़्यादा परम सत्कार करते हैं। तो मेरे वीरों ये कहिंदे भी ट्राली इत्थे खड़ी कर दिओ, तो दो घंटे ट्राली खड़ी होएगी उस तों बाद तुसी लै जाओ। असी इन्हां दी गल मन के इत्थे जिथे भी तुसी कहोगे चौंक ते जां परां गली च ट्राली खड़ी कर दिया करांगे। साडा मेट जिहड़ा सुपरवाइजर है ट्राली खड़ी कर दिया करेगा, आपदा उहदे सारे गंद पाओ सवेरे 7 तों लैके 9 बजे तक, उस तों बाद उस नूं लैके चले गए। तो मेरे वीरो गंद बहुत ज़्यादा हुंदा है, ये नहीं भी तुसी थले सिट्टो, थले किसी ने नहीं सिटना है, मैं वार वार बेनती कर रहा थले किसी ने नहीं सिटना है, क्योंकि आप गंदगी तो मुक्ति लैनी है। जो आप थले गंद मार के उत्थे हुण DAVI स्कूल के कोल असी डैंपर रखे जी थले लोग सिट जाते सी, अभी ट्राली खड़ी करते थले लोग सिट जाते हैं। अपने आप नूं भी सूचित करो, अपने आप नूं भी थोड़ा जिहा शर्म नूं हत्थ मारो भी इस गंद नूं। हुण युग जिहड़ा अपना बहुत अगे चल रहा है, हुण हिंदुस्तान अपना बहुत अगे वध रहा है, असी इस गंदगी नूं अपना मसला समझ के इस नूं कोशिश करिए। जेकर ट्राली च ना सिटिया तो फिर मोटरसाइकिल ते लो, जिहदे कोल रेहड़ी है उत्थे जाके सिट के आओ। सारिआं नूं मैं बहुत बहुत धन्यवाद करदा, तो यही मेरी बेनती है, आपदा काम समझ के ना सफाई दे काम नूं ओह समझो, तो इस आने वाले टाइम से असी भी कोशिश कर रहे, साडे ऑफिसर कोशिश कर रहे हैं कूड़े नूं खत्म करन दी कोशिश कर रहे हैं। कूड़ा कहो जी चीज़ है खत्म नहीं हो सकता, मगर साडी गड्डियां आ गई नहीं उसारी कराई जा रही है, इंटरलॉक टाइल लाके पक्का कर दे रहे, किसी कोई इतराज कोई इतराज क्यों हो सकता, ब्यूटीफिकेशन सुंदरीकरण कर रहे हैं। ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।